नमस्कार दोस्तों, टू डू आईज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। तो स्टार्ट करते हैं मैथ की आज क्लास को। तो मैथ की क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था कल हमने, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ प्रश्न किसके बेस पे कराए थे, आपको प्रैक्टिस कराई थी। यदि किसी वस्तु को, यानी एक वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचें और उसके बाद किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में बेचें, दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें आपको प्रॉफिट अगर क्वेश्चन मिले तब विक्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रत्येक फॉर्मुलेशन कराए थे और आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी, ठीक। तो आज की क्लास में आप क्वेश्चन होगा आपका, यहाँ तो था प्रॉफिट, अब होगा लॉस। यानी किसी वस्तु को 10% की यदि हानि पे बेचे तो उसका क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना था, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लॉस वाला क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में पूछा था। मैं वो क्वेश्चन सारे आपके सामने लेके आता हूँ जो क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराता मैं। तो आप क्वेश्चनों को विशेष कर देखें। क्वेश्चन है, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपए में खरीदी, 500 रुपए में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी तो गुड़िया का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। लास्ट कैलकुलेट करते हैं लास्ट क्लास में क्रय मूल्य, ठीक है। लास्ट की जो क्लास थी उसमें यहां पर था क्रय मूल्य कैलकुलेट कर रहे थे, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। आज की क्लास में कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को, यानी कि सेलिंग प्राइस। ट्रिक से ही करते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक से ही करना है। क्वेश्चन को सो जितना प्रतिशत दे रहा था उस प्रतिशत को लिखना और किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रतिशत का कितना 1/100 होता है, कैंसिल कर लेते हैं, कितना 5 से काट लेते हैं, 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे 3/20, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/20। इसको बोल रहे थे कॉस्ट प्राइस, यहां क्या हो रही है, हानि। क्या पूछ रहा है, हानि दे रखी है आपको, 15% हानि थी। यहां लास्ट क्लास में इसको कर रहे थे प्रॉफिट, प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या है, लॉस। यहां क्या करेंगे, जो 3 है वो क्या है, लॉस यानी कि हानि। कॉस्ट प्राइस कितना, 20, फ्रैक्शन के रूप में, ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन के रूप में। नीचे जो डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वो कॉस्ट प्राइस है और जो नोमिनेटर में दे रखा है वो 3, वो क्या है, लॉस, कितनी हानि होगी। रेशियो में 3 की और प्रॉफिट कितना, जो लास्ट क्लास में कराया था,
एक का प्रॉफिट आ रहा था, यहां कितने का लॉस हो रहा है, तीन का। कितना दे रखा है, 500 रुपये, यानी कि खरीद मूल्य दे रखा है 500 रुपये, यानी कि आपने क्रय किया है किसी वस्तु को, जिसकी कॉस्ट क्या है, इसको बोलते हैं क्रय, मतलब खरीदा है, और खरीदने को बोलता है कॉस्ट प्राइस। ठीक, कितने रुपए दे रखा, 500। कॉस्ट प्राइस रेशियो में कितना दे रखा है, यानी जो फ्रैक्शन में रेश 20 यूनिट बराबर कितने हैं, 500 रुपये। ठीक, तीन रेशियो का क्या हो गया, लॉस हो गया 3 यूनिट का, 20 यूनिट कॉस्ट प्राइस है 20 यूनिट का, 3 का लॉस हो गया, तो शेष कितना बचा भाई, कितने में बेच सकता है, 20 में से 3 गए तो 17 यूनिट चाहिए। 17 यूनिट क्या है, विक्रय मूल्य 500 अपॉन 20, जो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे 20 नीचे चल जाएगा डिनोमीटर में, और 17 से क्या कर देंगे गुणा, 0 से 0 और कितना 25। 25 को यदि 17 से गुणा करेंगे पच्चीस और सत्रह कितना होता है 42, यानी कि 425 रुपये क्या था, विक्रय मूल्य। 500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा था उसने, 15% का उसने क्या कर लिया, हानि, यानी कि लॉस हो गया उसको। ठीक, और उसने कितने में बेच दिया, 425 रुपये उसने क्या कर दिए, बेच दिया। 500 रुपये में खरीदा था, कितने में बेच दिया, 425 रुपये में कितने का लॉस हो गया, 75 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पुआ है, 5 से पुआ, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो निकालते हैं कितने पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं और लॉस निकाल रहे हैं प्रतिशत में, क्या कर रहे हैं, 100 से गुणा 0 से 0, 15 5 75, क्या रहा है 15% क्या रहा है लॉस, इसका मतलब क्या अपना क्वेश्चन राइट है। ठीक है, तो डायरेक्ट अरे आप किसी आपका आंसर आ जाता है तो उसको चेक करने का ये तरीका है, क्या ये 15% आ रहा है लॉस या नहीं आ रहा है, 15% की यदि 475 में यदि आप बेच दें तो 15% आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, ठीक है, वो भी देख लेगा, क्योंकि ऑप्शन में यदि आप 425 रख के देखें और 15% यदि निकाल दें तो ऑप्शन से हो जाएगा आपके क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस, आप एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स के रूप में बना सकते हैं इनको, क्वेश्चन लिखें और उसके बाद ट्रिक जो है मैं करा रहा हूँ, जिस तरह से आप लिखते चलें और जैसे हम क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, किस तरह से एग्जाम में लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे आपको, जब आपको ट्रिक और ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं, रमेश 900 रुपये में अपनी गाय बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, शब्दों पे गौर करना, सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। रमेश 900 रुपये में अपनी गाय बेचता है, बेचने को क्या बोलते हैं, 900 रुपये में क्या है, अपनी गाय बेच दी, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो गया।
₹900 में बेचने पर ₹100 की क्या हुई उसको? हानि हुई। 900 में बेचता है तब उसको कितने रुपए की हानि होती है? ₹100 की हानि तभी होगी तब उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि तभी होगी जब कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ज्यादा हो। किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में यदि खरीदे और कम में यदि बेच दे तो क्या होती है? हानि। जैसे अपन मार्केट से ₹100 किलो लेके आए आलू, मित्र मिल गया, इतने कहा मेरे को आलू ₹90 किलो चाहिए, आपने ₹90 किलो में उसको दे दिए, तो आपको तो हानि हुई ना। कितने रुपए की? ₹10। आप खरीद के लाए ₹100 किलो के हिसाब से, मित्र को दे दिए कितने रुपए किलो में? ₹90 किलो। कितने की हानि हुई? ₹10 की। यदि इसको अपन मित्र को बेचदा ₹110 में यदि बेच देता मित्र को तो ₹10 का क्या होता अपन को? प्रॉफिट। भाई ₹100 में खरीद के लेकर आए मार्केट से और 110 में हमने बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितने थे? 110। कॉस्ट प्राइस कितनी? 100। कितने का प्रॉफिट हुआ? ₹10। यदि प्रतिशत में निकालते हैं ₹10/100, 100 से गुणा करते हैं कितना आ रहा है? 10%। 10% की क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था सीधा सीधा। ठीक, तो क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करना है कि जितने भी प्रॉफिट और लॉस के जितने क्वेश्चन है, अपने लाइफ में जितना हम मार्केटिंग सामान खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारे जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ये आपके लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। आप यदि किसी को मार्केटिंग करते हैं, खरीद के लेकर आते हैं सामान, ठीक, उसके बाद बेचते हैं, तो ये अनुमान लगाते हैं हमको लॉस नहीं जाना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में लॉस नहीं जाना चाहिए, तो अपन क्या प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ऐड करते हैं। रुपये 900 में उसने बेच दी, ₹100 की हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य जो था उसका कितना था? क्रय मूल्य ₹1,000 होगा। भाई ₹900 में उसने बेची है, ₹100 की हानि हुई है, तो ₹1,000 क्या हो गया? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? ₹900। कितने की हानि? ₹100 की। कितने पे हो रही है? ₹1,000। 100 से क्या कर दो? गुणा। 0 से 0, ये 0 से 0, कितना प्रॉफिट आ हानि आ रही है? 10% की आ रही है। यानी कि जो हानि कैलकुलेट होके आई वो कितनी आ रही है? 10%। 1,000 में खरीदी थी, 900 में बेच दी, ₹100 की हानि हुई, कितने पे हुई? ₹1,000। ठीक है, यदि इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है? 10% हानि आती। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एक सिंपल एग्जाम पूछे जाते हैं, सिंपल का गलत होने का बहुत चांस होते हैं। अपन क्या उस सिंपल क्वेश्चन समझ के उसको जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत कर जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, और बाद में सोचते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व कर देते, एक क्वेश्चन सही हो जाता। यदि किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आप इतने काबिल बने कि कम से कम 20 तो कर सकें, क्योंकि 5 यदि क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो 20 तो कम से कम सही करें, और जो कम से कम सही करने का जो वो आप मेहनत से, कुछ हमारी मेहनत, कुछ आपकी मेहनत, तभी आप 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा ₹250 में खरीद कर
4% लाभ पर बेचा, घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था? यहाँ क्या कमा लिया उसने? प्रॉफिट कमा लिया। कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा खरीदा था 250 रुपये में, 4% का लाभ कमाया और उसको कितने में बेच दिया? 4% लाभ कमा के, ठीक है, 250 रुपये में बेच खरीदा था। अब उसको बेचना था, कितने प्रॉफिट मिलना चाहिए था उसको? यानी कि 4% उसने क्या कमाया? लाभ कमाया। तो घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितनी थी घोड़े की, यानी घोड़ा उसने कितने रुपए में बेचा था ये ज्ञात करना है। 4% का प्रॉफिट था, प्रॉफिट जो दे रखा है वो निकालना प्रतिशत का, इसको कन्वर्ट करना किसमें? फ्रैक्शन में, 4/100, जो कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। सॉल्व करते हैं 1/25, 1/25 क्या हो गया इसका? फ्रैक्शन कर लिए प्रतिशत, या आपको एग्जाम में याद होनी चाहिए डायरेक्ट विशेष, ठीक है, 1/25। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कितना? 25। रेशियो में यानी कि यूनिट जो है फ्रैक्शन में 1/25, 25 जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रहा है वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। एक यूनिट जो क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब लाभ है, ठीक। 1/25 फ्रैक्शन किया, 25 क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो यूनिट में कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास? 25, और रुपयों में कितनी है भाई? कॉस्ट प्राइस कितनी यानी खरीदने की, जो कितने में खरीदा था घोड़ा? 250 रुपये। एक यूनिट यदि यहां से निकाले, एक यूनिट बराबर, तो 25 का इसमें क्या कर दो? भाग दे। एक यूनिट आई अपने बराबर कितने आई? 50, 10 रुपए के। यदि 25 का इसमें भाग देंगे, यहां से एक यूनिट कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 10 रुपए। एक यूनिट बराबर कितने? 10 रुपए। विक्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य प्लस यदि प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 25 प्लस प्रॉफिट जोड़ा कितना? 26। यानी कि 26 यूनिट बराबर क्या हो गया अपना? 10 × 26, यानी कि 260 रुपये क्या था? विक्रय मूल्य। घोड़े का जो विक्रय मूल्य था कितना था? 260 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जोड़ दें वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस यानी कि जितने रुपए में खरीदा था उसने वो प्लस प्रॉफिट, वो क्या होता है? विक्रय मूल्य, ठीक। तो विक्रय मूल्य कितना? कॉस्ट प्राइस 25 प्लस प्रॉफिट 26, दोनों को ऐड किया तो 26 यूनिट चाहिए, कितना? 260 रुपये, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो विक्रय मूल्य था घोड़े का वो कितना आया? 260 रुपये। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये विशेष कर इसमें ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को खरीदना। सेलिंग प्राइस मतलब होता है किसी वस्तु को बेचना यानी कितने में बेचिए। सेलिंग प्राइस का हिंदी होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी,
और उसे उसे 55 रुपए में बेच दी, उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? विजय ने एक किताब खरीदी 50 रुपए में, ठीक है, और 55 रुपए में उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। कॉस्ट प्राइस थी कितना, यानी कि क्रय मूल्य था 50 रुपए, बेचने का यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना, 55 रुपए। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि यहां 45 होता तो लॉस होता, क्योंकि कम में बेचता। 50 से यदि ज्यादा होगा प्रॉफिट होगा, 50 से यदि कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। समझना, 50 रुपए में उसने खरीदी है, यदि 50 से ज्यादा बेचता है प्लस में तो होता है उसको प्रॉफिट, यदि 50 से बेचता है कम में उसको होता है लॉस यानी कि हानि। कितने में बेच रहा है, 55 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, वही 50 से ज्यादा में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का। तो प्रॉफिट प्रतिशत में मैंने बताया था, प्रॉफिट प्रतिशत में कैलकुलेट करना है, प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में बताएंगे, यदि रुपए में बताते कितने रुपए का, 5 रुपए का प्रतिशत में। प्रॉफिट कितना, 5 रुपए का। कितने पे, क्रय मूल्य पे निकालना है, 50 से क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है प्रॉफिट, हमेशा यह ध्यान रखना। और प्रतिशत निकाल रहे 100 से क्या कर दो, गुणा 50, 10 बार कैंसिल हो गया, 10 100 का 100 में दिया भाग 10 का, कितना रहा है, 10, यानी कि 10% का क्या हुआ था, प्रॉफिट। यदि घोड़े किताब को 50 में खरीदता और 55 में यदि बेच रहा है तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10%। ठीक, तो इसका आंसर कितना है, 10%। ठीक है, तो ये तो थे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वगैरह बढ़ाते हैं और सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दो यानी दूसरी तरह के जो क्वेश्चन है किस तरह पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा दिया आपको, प्रैक्टिस कर लेना इन पे। अब सेकंड टाइप पे जंप करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर। टफ नहीं है पर लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर हो जाता है क्वेश्चनों में, तो उसी को आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है, सिंपल भी और टफ भी। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल ही प्रैक्टिस करें, टफ की प्रैक्टिस नहीं करें और एग्जाम में टफ आ जाए। यहाँ पर प्रैक्टिस यहाँ पर सबकी करेंगे, टफ और सिंपल क्वेश्चनों की। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.3% लाभ पर बेचता है तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। पिछला क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे क्रय मूल्य पे, इसमें क्या कर रहे हैं, दुकानदार ने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16/2/3% लाभ पर बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य का इतना परसेंट लाभ हो गया। तो यदि वो वास्तव में क्रय मूल्य पे बेचता है, यानी कि वास्तविक लाभ कितना था उसका, यानी कि क्रय मूल्य वाला लाभ कितना, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट निकलता जो आता वो कितना था। सेलिंग प्राइस में दे रखा उसने 16/2/3%, फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको, फ्रैक्शन होता है 1/6। क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस, लास्ट क्वेश्चन में अपन कर रहे थे यहां कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अपन। अब इसने विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट दे दिया, इसका मतलब जो ये सेकंड जो यानी कि डिनोमिनेटर में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यूनिट 6, यानी कि 6 जो रेशियो है वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। तो नॉमिनेटर में जो संख्या है डिजिट है वो क्या है, 1, वो क्या है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट, यानी कि अपन चाहिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यदि विक्रय मूल्य में से यदि लाभ घटा दें तो क्या जाता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक। यानी कि जो क्रय मूल्य आएगा अपना, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को ध्यान रखना, क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है, 6 यूनिट, और प्रॉफिट कितना यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट। तो क्रय मूल्य कितना यूनिट आया, क्रय मूल्य आया 5 यूनिट। 5 यूनिट क्या है, क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट चाहिए अपन को प्रतिशत में, और वो भी एक्चुअल चाहिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का रेशियो में, क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से क्या कर दो गुणा, कितना परसेंट आएगा, 20%। एक्चुअल में उसको 20% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। यदि वो क्रय मूल्य पे बेचता तो कितना परसेंट लाभ हो रहा था, 20%, यानी क्रय मूल्य से लाभ निकालता तो 20% का लाभ था। विक्रय मूल्य से यदि लाभ है तो उसका कितना गया, 16/2/3% का क्या है, लाभ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, वास्तविक जो लाभ था कितना था, 20%। तो इस तरह से सोल्व करना है इस तरह क्वेश्चन को। इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, बस क्वेश्चन कहे क्या रहा है और उसमें दे क्या रखा है, ठीक। यदि आपको समझ आ गया क्वेश्चन में गिवन और कैलकुलेट क्या करना है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी टफ क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम में वो लैंग्वेज पे ही बेस होता है, यदि लैंग्वेज आपको समझ आ गई उसमें कहे क्या रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। एक व्यक्ति किसी वस्तु को वस्तु की विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की हानि पर बेचता है तो व्यक्ति का वास्तविक हानि या लाभ प्रतिशत
ज्ञात करें। विशेषकर ध्यान रखना, यदि हानि दे रखी है तो यहां भी कैलकुलेट होगी हानि, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, यदि हानि दे रखी है तो हानि होगी। किस पे बेच रहा है, विक्रय मूल्य पे बेच रहा है। कैलकुलेट करना है एक्चुअल, यानी कि रियल क्या है मूल्य, प्रतिशत में प्रॉफिट क्या है रियल, वो कैलकुलेट करना है। 25% दे रखा है लॉस दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में। तो 1/4, 1/4 क्या है, फ्रैक्शन है इसका, 25 का। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, नीचे डिनोमिनेटर में जो है सेलिंग प्राइस, और ये क्या है लॉस दे रखा है, तो लॉस है यानी कि हानि। 4 सेलिंग प्राइस था, 1 लॉस, 1 रुपए एक यूनिट का। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट प्राइस 4 + 1 = 5 होगा, क्योंकि किसी वस्तु पर हानि तभी होगी जब विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। या विक्रय मूल्य क्या होगा, जैसे क्रय मूल्य है 100 रुपये, विक्रय मूल्य है 90 रुपये, तो क्या है हानि, इसका मतलब क्या है हानि। 5 यूनिट यानी कि 4 + 1, 5 यूनिट। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 5 यूनिट थी। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको देखना है, क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस यानी कि हानि, हानि भी किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। 1 यूनिट की हानि हो रही है, कंफर्म पता है, एक्चुअल में चाहिए, किस में निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5। कैलकुलेट होके आई कितना, 20%, 20% क्या हो रही है हानि। 5 का 100 में भाग देंगे कितना आएगा, 20, यानी कि 20% की हानि हो रही है एक्चुअल में, और उसे विक्रय मूल्य पे यदि हानि निकालते कितना आ रहा था, 25%। यदि एक्चुअल में, जो एक्चुअल में पता तब चलता है जब कॉस्ट प्राइस हो, क्रय मूल्य पे निकाले हानि, तब एक्चुअल में पता चलता है कितनी हानि हुई है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आप जुड़े रहिए टू डिवाइस के चैनल पे, और चैनल को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करें, जिससे कि आपके साथ साथ किसी और बच्चे को भी इस संस्था का लाभ मिले, सभी बच्चों को एजुकेशन का फ्री में टॉपिक का सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ, नमस्कार।